Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, लोकस स्टैंडाई। ये एक लातिनी टर्म है, लोकस स्टैंडाई क्या है। लोकस स्टैंडाई का पहले आपको एक वर्ड बता दूँ ताकि ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना हो। लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि मुदाखलत का हक, किसी मामले में, किसी जगह पर, किसी केस में, किसी राइट में कोई शख्स अपना राइट डिक्लेयर कर दे, अपने आप से अकॉर्डिंग टू लॉ डिक्लेयर कर दे, या उसको लगे कि ये मेरा हक है, जहाँ पर मेरे हक की वायलेशन हुई है। कोई भी शख्स जब कानून से, अदालत से जब रजू करता है किसी अजियत, तकलीफ़, परेशानी की सूरत में, या रेडिसल अपनी दादरसी लेने के लिए, तो वो बेसिकली क्या वो उसका हक बनता भी है या नहीं बनता, कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, इन तमाम चीज़ों को लोकस स्टैंडाई डील करती है। लोकस स्टैंडाई इस चीज़ को सॉल्व करती है कि आया जो शख्स कोर्ट में आ रहा है उसका ये हक भी है या नहीं, उसको ये हक दिलवाया जा सकता है या नहीं। अगर दिलवाया जाएगा तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, किन सर्कमस्टांसिस के ऊपर, इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कराना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बरवकत और टाइमली मिलते रहे। फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, जब आप मेरे क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के लेक्चर्स को सुना करें तो पहले मेरे नोट्स को डाउनलोड करके उनको आप उनके PDF की सूरत में, उनके प्रिंटआउट लेकर लेक्चर को सुना करें, ताकि आपके सामने मेरे नोट्स हों। मैं नोट्स की सीरीज़ वाइज चलता हूँ, हेडिंग वाइज, मटेरियल वाइज, तो जब आपके सामने मेरे नोट्स होंगे और नोट्स को आप पढ़ रहे हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जी व्हाइट बोर्ड पर समझाया करें, तो भाई मैंने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके एक स्टेप लिया है, व्हाइट बोर्ड पे तो आपको नज़र ही कुछ नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, बोला क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। तो जब आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे, मेरे नोट्स को आप सामने रखें और मेरे लेक्चर को सुनना शुरू करें और देखें समझ कैसे नहीं आती। तो व्हाइट बोर्ड तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, मैंने तो जो चीज़ लॉन्च की है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और फॉरवर्ड चीज़ है। तो आप मेरे नोट्स को डाउनलोड करके लेक्चर को जब सुना करेंगे तो 100% लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, मेरी फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप 2 लोगों की हेल्प, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब है मुदाखलत का हक, यानी कि अगर एग्जाम्पल लेते, एक शख्स है, वो किस मामले के अंदर मुदाखलत कर सकता है, किस मामले के अंदर वो कोर्ट से रजू कर सकता है और कहाँ पर वो नहीं कर सकता। जनरली ये होता है कि एमए एक शख्स उठा लाहौर से और इस्लामाबाद में जाके दावा फाइल कर दिया स्टे का, जी मुझे इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर दें, इंजेक्शन दे दें, तो क्या उसका वो राइट बनता है, जो उसको स्टे, जहां पर वो स्टे मांग रहा है या रिलीफ मांग रहा है कोर्ट से, तो क्या वहां पर उसके किसी राइट की वायलेशन भी हुई है या नहीं, या एमए मुंह उठा के आ गया और जी मुझे दे। तो बेसिकली लोकस स्टैंडाई डिटर्मिनेशन है किसी भी शख्स के राइट की वैल्यू को असेसिनेट करना, किसी भी शख्स के राइट को वैल्यूएट करना, उसको डिटरमाइन करना, उसको उसकी डिटर्मिनेशन करना, क्या ये इसका हक बनता भी है या नहीं, अगर बनता है तो इसको कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, किस सेंस में दिया जाए, और कौन सी कोर्ट ये हक दे सकती है, इन तमाम चीज़ों को बेसिक जो प्रिंसिपल डील करता है वो लोकस स्टैंडाई कहलाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, इसके अंदर लोकस स्टैंडाई के अंदर जो अग्रीव्ड पर्सन होगा, जिसके साथ अजियत हुई है, जिसको तकलीफ का सामना करना पड़ा है, जिसको अजियत उठानी पड़ी है, वो कोर्ट से रजू कर सकता है। अग्रीव्ड पर्सन कौन होगा, जिसके राइट की वायलेशन हुई है। अच्छा, वैसे तो राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन तो मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एक्सप्लेनली बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये सारा क्वेश्चन ही इस नोयत का है कि इसके अंदर राइट और ड्यूटीज को समझना जरूरी है। अब आप कैसे यहाँ से प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की और वहाँ पर राइट और ड्यूटीज़ को ढूंढेंगे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि राइट और ड्यूटीज़ क्या है, कहाँ पर आती हैं। एक चीज़, जहाँ पर लॉ किसी चीज़ को डिक्लेयर कर दे, या एक कॉमन सेंस इस चीज़ को डिक्लेयर करे कि ये किसी शख्स का राइट है, इंडिविजुअल्स का, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, या ग्रुप ऑफ पर्संस का। जहाँ पर एक हक आ जाएगा, जहाँ पर राइट आ जाएगा, उसके अपोजिट
ड्यूटी खुद ब खुद अराइज हो जाएगी, उसके अपोजिट ड्यूटी खुद ब खुद डिवेल्प हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये हक है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो जब मेरा ये हक है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो देन मेरे अपोजिट काउंसिल की, मेरे अपोजिट पर्सन की, मेरे सामने वाले सभी अशख़ास इस दुनिया में मौजूद हर शख्स की ये ड्यूटी बन जाएगी कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। बात समझ आ गई? जहाँ पर राइट डिवेल्प होगा, जहाँ पर राइट खड़ा होगा, वहाँ पर ड्यूटी खुद ब खुद इम्पोज हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रीड पर्सन, अग्रीड पर्सन आर दोज, मैंने आपको बता दिया, जिसके राइट की वायलेशन हो। मीनिंग ऑफ टर्म, अग्रीव पार्टी कौन होगी? ऐसी पार्टी जिसके राइट की वायलेशन होगी। लोकस स्टैंडाई द टर्म विच मीन लीगल स्टैंडिंग बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने लीगल स्टैंडिंग लेना, कानूनी तौर के ऊपर कोर्ट के सामने खड़े होने का, जो आपका हक है। अग्रीव्ड पर्सन डिफाइन, जनरल डेफिनेशन, अ पर्सन कैन सेट टू बी अग्रीव्ड वेयर ही हैज अ पर्टिकुलर और स्पेशल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर सपोज टू बी रॉन्गली डिसाइडेड। कोई भी ऐसा शख्स वो अपना हक रखता है जहाँ पर किसी केस का गलती से या रॉन्गली डिसाइड किया गया है, किसी कोर्ट की तरफ से, किसी अथॉरिटी की तरफ से, किसी डिपार्टमेंट की तरफ से गलत फैसला किया गया है, जिससे किसी शख्स की, जिससे कोई शख्स इफेक्ट हुआ है, उसके राइट की वायलेशन हुई है, उसको वो उसका हक नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अदर डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी लिखी हुई, वो जो आपके लिए ईजी हो वो आप लिख लीजिएगा। एक छोटी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई, अ पर्सन हु इज राइट और इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्टेड, जिसके राइट और इंटरेस्ट को उसके मुखालिफ किसी शख्स ने या अशखास ने या डिपार्टमेंट ने इफेक्ट किया हो, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड अग्रीव। तो यहाँ पर मैंने 5-6 डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनमें से एक सबसे छोटी आपको अभी बताई है, तो जो आपके लिए आपको आसान लगे वो आप एग्जाम्पल या वो डेफिनेशन आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है जी, इंस्टांस व्हेन लीगल ग्रीवियंस अराइज, कहाँ पर लीगल ग्रीवियंस अराइज हो सकता है? जहाँ पर लीगल राइट्स आर एडवर्सली इफेक्टेड, लीगल राइट्स को, आपके कानूनी हक को आपकी मुखालिफ पार्टी ने इफेक्ट किया हो, वहाँ पर भी ग्रीवियंस अराइज होगा। डिनाइल ऑफ लीगल राइट, जो आपका हक बनता है, फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस के पास जाते हो थाने में कि जी मेरी FIR करो, ये आपका लीगल हक है, 154 CRPC आपको आपका राइट देता है, लेकिन पुलिस वाले इनकार कर दें, तो आप पुलिस की पुलिस से अपने जो आपको तकलीफ अजियत हुई है, पुलिस वालों ने आपको आपका हक देने से इनकार कर दिया, तो पुलिस वालों से अपना हक लेने के लिए आप कोर्ट में जाते हो CRPC 22A 22B की पटिशन के अंदर, और ऑनरेबल सेशन जैसे आपसे आप परमिशन, ऑनरेबल सेशन जैसे आपसे आप हुक्म लेते हो जी पुलिस को ऑर्डर करें कि वो FIR करें मेरी। तो जहां पर कोई अथॉरिटी जो हक देने की पाबंद है लेकिन वो इनकार कर दे आपके लीगल राइट को आपको देने के लिए, वहां पर भी आप रुजू कर सकते हो कोर्ट से। डिनाइल ऑफ रेमेडी, को ऐसी रेमेडी जो आपको अवेल करनी चाहिए या आपको मिलनी चाहिए वो आपको देने से कोई इनकार कर दे, लाइक एक स्टूडेंट को कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन देने से इनकार कर दे कि जी हम आपको एडमिशन नहीं देंगे लसानी बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर, या एनी अदर किसी और सेंस पर। पर्सन हैविंग इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर सपोज रॉन्गली डिसाइडेड, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने केस डिसाइड किया, अब वो केस दो पार्टीज के दरमियान में था, लेकिन जब कोर्ट ने वो केस डिसाइड किया उसके डिसीजन से कोई और अशखास भी इफेक्ट हुए, जिसकी वजह से वो अशखास, हालांकि उनके खिलाफ कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन कोर्ट का डिसीजन इनडायरेक्ट उनके खिलाफ भी जाता है, तो वो भी सुपीरियर कोर्ट में हाइएस्ट फॉरम के ऊपर उस कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं कि ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, इससे मेरे राइट की वायलेशन हो रही है। पर्सन लूज और गेन एनी एडवांटेज, कोई शख्स खो देता है या गेन करता है कोई ऐसी एडवांटेज, वहाँ पर भी आप ग्रीवियस अराइज हो जाता है। पर्सन हैविंग राइट इन परफॉर्मेंस ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूटी, कोई शख्स अपनी स्टैच्यूटरी ड्यूटी को परफॉर्म करने का बाउंड है, वहाँ पर उसको रोका जाए तो वहाँ पर भी उसका ग्रीवियस अराइज हो जाएगा। इंटरप्रेशन ऑफ वर्ड पर्सन, अच्छा पर्सन की डेफिनेशन मैं कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, मर्चेंटाइल लॉ के अंदर भी एक्सप्लेन और डिटेल बता चुका हूँ कि पर्सन क्या है, यहाँ पर भी बता देता हूँ। पर्सन मीन अ हुमैन और अ कॉर्पोरेशन बॉडी कंपनी। पर्सन से मुराद सिर्फ इंसान नहीं, लॉ दो तरह के पर्सन की डेफिनेशन देता है, PPC के अंदर भी, कॉर्पोरेशन के अंदर भी, और यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर भी पर्सन की डेफिनेशन दो अशखास के तौर पर ली गई है, एक वो जो मैं और आप हैं इंसान जीते जागते मिसालें, और दूसरी कंपनी कॉर्पोरेशन जो बिजनेस को रन करती है, तो वो भी अपने आप में एक लीगल एंटिटी है, उसका एक नाम है, पहचान है, उसकी एग्जिस्टेंसी है, तो वो भी पर्सन कहलाएगी। टर्म अग्रीव पर्सन इज इन नेचर, द टर्म अग्रीव पर्सन हैज नॉट डिफाइंड स्पेशली, इट इज सिग्निफाइज द पर्सन अग्रीव्ड ओनली व्हेन हैज राइट और इंटरेस्ट हैज बीन इंजर्ड। अग्रीव्ड की खास डेफिनेशन नहीं है लेकिन जनरल सेंस की डेफिनेशन यही है कि वही अग्रीव्ड हो सकता है जिसके हक की या उसकी इंटरेस्ट की वायलेशन की गई है। पर्सन हैविंग राइट परफॉर्मेंस ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूटी कैन बी अग्रीव्ड, जिसको उसकी स्टैच्यूटरी ड्यूटी फुलफिल करने से रोका जाए या फुलफिल ना करने दी जाए वो भी अग्रीव्ड होगा। पर्सनल इंटरेस्ट एंड ग्रीवियंस ऑफ पर्सन, पर्सनल इंटरेस्ट एंड ग्रीवियंस ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का ग्रीवियंस या उसका पर्सनल इंटरेस्ट जहाँ पर इन्वॉल्व हो और उसको वो उसका हक ना दिलवाया जाए, डेट इज़ आल्सो अग्रीव्ड पर्सन।
एक्सप्रेशन एटसेट्रा, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन या कॉन्स्टिट्यूशनल रिट पटिशन कैन बी फाइल्ड अग्रीड पर्सन, जो अग्रीड पर्सन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट भी फाइल कर सकता है। रिट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेरे डिटेल लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। रिट ऑफ मैंडामोस, रिट ऑफ मैंडामोस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्शियरारी, ये तीन रिटें हैं जो शख्स अपने पर्सनल ग्रीवियंस की सॉल्वेंसी के, अपने पर्सनल ग्रीवियंस को सॉल्व करने के लिए फाइल कर सकता है। बाकी इसके अदर एस्पेक्ट्स हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है। उबाय जस अवाई रेमेडी, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, जहाँ पर किसी शख्स का राइट होगा वहाँ पर उसको उसका हक मिलेगा। तो ये आप चीज़ें देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में याद रहे तो लिख दीजिए, डजेंट मैटर, बट ये जो मैंने आपको बता दिया ये इनफ है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है जी, प्रीक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट, आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम।